हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर विद द रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ चैप्टर विजुलाइजिंग सॉलिड शेप मेंसुरेशन एक्सपोनेंट एंड पावर्स डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो सेक्शन ए की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द यूलर्स फॉर्मूला। सो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस में, दैट इज एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ यूलर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर टू, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3x। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ये होता है साइड क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी साइड क्यूब, दैट इज 3x का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3×9=27x³। ये आपका आंसर आ जाएगा, और यूनिट क्यूब जो भी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3^0 प्लस 4^-1 इंटू 2^2। 3^0 हो जाएगा 1, 4^-1 होगा 1/4, और इंटू 2^2 दैट इज 4। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4+1/4 × 4 दैट इज 1। तो आंसर आ जाएगा 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल को कितने प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे? आप 1 के बाद यहाँ तक लाएंगे। सो हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो आपका आंसर आ जाएगा 1.24×10^-11। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 मार्क से क्वेश्चन चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2^-3, दैट इज 1/2^3 हो जाएगा, इंटू -7^-3, दैट इज 1/-7^3। हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 7 और 2, दोनों की पावर 3 है, सो हो जाएगा 7×2=14, सो 1/-14^3। फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 14³ आपको सॉल्व करना है, इसके बाद अपने आप से आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ सेक्शन बी, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। सो फेसेस 10 है, तो आप निकालेंगे सबसे पहले एफ प्लस वी, आपका आ जाएगा 10+15 दैट इज 25। नाउ यू विल फाइंड ई प्लस टू, ई प्लस टू दैट इज, ये आपका हो जाएगा 20+2 दैट इज 22। सो यू कैन सी क्लियरली एफ प्लस वी इज नॉट इक्वल टू ई प्लस टू। सो यूलर्स फॉर्मूला यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक। तो लिख सकते हैं नॉट वेरीफाइड, ओके, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 9 मीटर एंड दिस बिल्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई 9 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, वॉट इज द स्केल यूज फॉर द मैप, ठीक है। सो 9 सेंटीमीटर है और वो 9 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये आपका स्केल है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर भी आप लिख सकते हैं, दिस इज द स्केल, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस हुज डायगनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रॉम्बस आपको पता है, एरिया ऑफ रॉम्बस ये क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, सो हाफ इंटू d1 × d2। नाउ हाफ इंटू d1 कितना है? 10 है, और d2 कितना है? 8.6 है। सो आप कट कर देंगे 2 × 1 × 4.3, तो 4.3 × 10 आ जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रॉम्बस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968। तो टोटल सरफेस एरिया आपका 968 है, सो 968 इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πr(h+r), ये फॉर्मूला होता है। सो 968 इज इक्वल टू 2×22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 एंड h+r मीन्स h+7, ये हो गया 7 से 7 कैंसिल, 2 ये हो जाएगा 4, 8, 4, और फिर 22 का स्क्वायर होता है, सो 22×22 हो गया, सो 22 इज इक्वल टू h+7, सो h की वैल्यू आ जाएगी 22 - 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर।
Now question number 10, find m so that minus 3 की power 3m plus 1 into minus 3 की power 5 is equal to 3 की power 7. So आपको पता है bases same है, तो powers add हो जाएंगे, means minus 3 की power यहाँ पे क्या हो जाएगा, m plus 1 plus 5 और is equal to किसके हो जाएगा, minus 3 की power 7 के. Now when the bases are same, so power must be equal. So m plus 1 plus 5, that is m plus 6 is equal to 7 के equal होना चाहिए. यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1. सो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. सो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन का आपको टेबल बनाना बहुत जरूरी है. बिना टेबल को इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, ठीक है, तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे. टेबल बनेगी तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं. सो अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स. सो नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स, दो कंस्ट्रेंट्स हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स और इसको मान लेते हैं x, और उसके बाद टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है. सो नंबर ऑफ बॉटल्स आपको दिया है 840 बॉटल्स, और 840 बॉटल्स फिल हो रही हैं कितनी देर में, 6 आवर्स में. आपको पता है ना हाउ मेनी बॉटल्स, सो x बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स, ठीक है. ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये आपका हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y2. सो 840 बॉटल्स फिल हो रही है 6 आवर्स में, तो 5 आवर्स में कम बॉटल फिल होंगी, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. सो x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन y2. ये आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वेरिएशन का. इट इम्प्लाइज दैट x1 अपॉन y1 दैट इज 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन 5. तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है डायरेक्ट. ये जाएगा 6 1 6, और ये हो जाएगा 6 1 6, 6 4 24 0, 14 5 आपका होता है, 5 0 0 एंड 5 4 20 एंड 5 5 प्लस 2 7, 700 आ जाएगा. तो 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स. सो आंसर विल बी 700 बॉटल्स. नेक्स्ट सेक्शन सी का क्वेश्चन है. सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ ऑफ क्रिस्टल्स. सो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, और दूसरा है 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर. सो यहाँ पर आपको टेबल बनानी होगी. सो दिस इज द टेबल, और टेबल में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब देखिए यहाँ पर जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे. सो शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर हो गया, ठीक है, और इसको x मानेंगे. उसके बाद क्रिस्टल्स हो गए, क्रिस्टल्स इसको हम लोग मानेंगे y, ठीक. क्वांटिटी ऑफ शुगर आपका हो जाएगा 2 किलोग्राम शुगर, तो आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो हैं 9 × 10⁶. सो आपको बताना है हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम शुगर. तो 5 है, इसको हम लोग y मानते हैं. ये x1, ये x2, और ये y1, और ये y2. सिंपली आपको कैसे है डायरेक्ट वेरिएशन का. सो x1 अपॉन y1 दैट इज 2 upon 9 × 10⁶ इज इक्वल टू 5 upon y. तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 5 × 9 = 45/2 दैट इज 22.5. सो y इक्वल टू हो जाएगा 22.5 × 10⁶, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा, मीन्स आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो 2.25 × में एक इंक्रीज कर देंगे 10⁷. यही आपका आंसर आ जाएगा. दीज मेनी क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर. अब इसी को कर दिया गया 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो देखते हैं क्या आंसर आता है 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में. सो 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में यहाँ पर दिया हुआ है 2 का, यहाँ पर हो जाएगा 1.2, बस थोड़ा सा अंतर होगा और कोई चेंज नहीं आएगा. तो बी पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, बी पार्ट में 1.2 करना है, बाकी हमारा सेम रहेगा, ओके. सो ये 2 है तो 9 × 10⁶, और ये आपका हो जाएगा 1.2, तो कम रहेगा, यानी कि 2 upon 9 × 10⁶ इज इक्वल टू 1.2 upon y. सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 = 20.6, तो 9 6 = 54, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5.4 × 10⁶. ये आंसर आ जाएगा, इतने क्रिस्टल होंगे आपके 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में. ये आपका बी पार्ट था, ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13 आपका टाइम एंड वर्क से है.
15 workers can build a wall in 48 hours. How many will be required to do the same work in 30 hours? तो यहाँ पर टेबल बनेगी. डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन आपको टेबल बिना बनाए नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द टेबल एंड टू थिंग्स आर देयर, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन. सो नंबर ऑफ वर्कर्स ठीक है, और दूसरा है टाइम. ठीक, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, टाइम किस में, इन आवर्स में, कभी कदार डेज में भी होता है. ठीक है, सो ये एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई हो जाएगा. नंबर ऑफ वर्कर्स, 15 वर्कर्स कर रहे थे वर्क 48 आवर्स में, सो एक्स वर्कर्स करेंगे 30 आवर्स में. तो जाहिर सी बात है टाइम और वर्क का जितना भी प्रॉब्लम होता है सब आपका इनवर्स वेरिएशन में चलता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना ही कम टाइम में आपका वर्क फिनिश हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर लगेगा x1y1 इज इक्वल टू x2y2 बिकॉज इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो 15 इंटू 48 इज इक्वल टू एक्स इंटू 30. सॉल्व कर लेंगे, 15 टू ज़ा 30, 224 टाइम्स 48. ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई. सो 24 वर्कर्स विल फिनिश द वर्क इन 30 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इधर मूव करते हैं. वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर पेंटागोनल पिरामिड. पेंटागोनल पिरामिड के लिए यूलर्स फॉर्मूला फाइंड करना है. सो ईजी है, इसको आप अपने आप से करिएगा. हम एक क्वेश्चन और इसका बता चुके हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2. तो इसी से आपको वेरीफाई करना है फेसेस वर्टिसेस. इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने फेसेस हैं पेंटागोनल पिरामिड के, कितने वर्टिसेस हैं और कितने एजेस हैं. ठीक है, पिरामिड सबको पता है बेस जो होता है, बेस पे सारी साइड्स ऊपर जाके क्या होती हैं, ऊपर जाके एक पॉइंट पे ज्वाइन हो जाती है. ठीक है, तो आप हमको बताइएगा हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ पेंटागोनल पिरामिड. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं 15th क्वेश्चन में. इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर्स एंड 5 शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.16 mm. व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. तो 5 बुक्स हैं तो टोटल थिकनेस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल थिकनेस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपोनेंट पावर का, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है. टोटल थिकनेस क्या हो जाएगी, 5 बुक्स हैं 20 mm की थिकनेस है तो 5 into 20. ठीक है, और प्लस 5 पेपर शीट हैं तो 5 into 0.016. ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस, यही आंसर आ जाएगा. 5 into 20 दैट इज 100 प्लस 16 5 is 80 और 3 पॉइंट है तो 0.080 ये आ जाएगा. नाउ इसको आप ऐड करेंगे तो 100.080 mm ये आ जाएगा. इसको आप स्टैंडर्ड मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1.0008 × 10^2 mm ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म. आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो ये 3.02 × 10^-7. 10^-7 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 7 प्लेसेस पे शिफ्ट करना है. मींस ये आपका हो जाएगा 3.02 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो डेसिमल आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मींस ये आपका डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा और ये हो जाएगा, ये 10^-7 थी यहाँ पे. जब तक डेसिमल लगाएंगे नहीं तब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तो आपका हो जाएगा 0.12345 6 और 7. ठीक है, 02, दिस इज़ योर यूजुअल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट है आपका 10^8 है, मतलब आगे आपको 0 लगा देना है. तो देखते हैं सेकेंड पार्ट, ये आपका ए पार्ट था. बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में आपका है 3.61492 × 10^8 है तो 8 प्लेसेस आगे जाएगा. तो आपको कितने, 3 और 2 5 प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 जीरोज और आ जाएंगे, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इनटू आपके क्या है 10^8 है. सो आपका आंसर आ जाएगा 3, 6, 1, 4, 9, 2 and 1, 2, 3 zeros. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 meters एंड हाइट 5 meters इज मेड ऑफ फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड.
सो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, ये आपका क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस 7 मीटर है, सो रेडियस आर इज इक्वल टू 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, सो हाइट एच इज इक्वल टू 3 मीटर है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, क्लोज है तो टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे, सो टी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है, सो ये आपका हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर कितना है, आर है आपका 7 और एच प्लस आर यानी कि 3 + 7, ओके, सो ये कैंसिल हो गया, 22 × 44 × 10 दैट इज 440 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, अ क्यूबॉइड अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड मेजर 60 × 40 × 30, हाउ मेनी क्यूबॉइड दल बॉक्सेस कैन बी सॉर्टेड इन द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.08 m³। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस तो सिंपली आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, यानी वॉल्यूम ऑफ गोडाउन भी कह सकते हैं, गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, ओके, सो ये हो जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो जाएगा 60 × 40 × 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.08। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटेगा, ऊपर दो जीरो और आ जाएंगे, अब 8 से हम लोग डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, तो 4 से करेंगे, 4 × 2 × 8 होता है, 4 × 10 = 40 हो जाएगा, एंड 2 × 1 × 2 = 5 × 10, अब डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 × 5 = 300, तो 300 × 3000 करेंगे, भैया ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, सो 300 × 3000, यही आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, तो 3 × 3 = 9 और 2 0 और 3 0 यानी 5 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 0, ठीक है, 9 lakhs हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा आंसर सही है कि नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 liters per minute, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर्स, तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 मिनट, सो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, ठीक है, फ्लोइंग इन 1 मिनट, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर आपका है 108 m³ है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आपका हो जाएगा 1000 से अपॉन में 60 liters per minute है, तो 60 हो जाएगा आंसर आपका, मिनट में नहीं आर्स में लाने के लिए हम लोग 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से ये 0 कैंसिल, 36 6 36 3 108 होता है, 3 × 10 = 30, सो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 30 hours, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंपली 25 t⁻⁴, 25 × t⁻⁴ है अपौन 5 t⁻³ × 10 × t⁻⁸, सो इसको सॉल्व करेंगे, 5 t⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 होता है आपका 5 स्क्वायर × 5 t³, तो हो जाएगा 5 t⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, −4 + 8 दैट इज −4 और +8, ये आपका हो जाएगा +4, तो t⁴ हो जाएगा अपॉन आपका क्या है 10 है, इसको भी सॉल्व करते हैं 5 × 2, तो ये हो जाएगा 5 t⁴ / 2 × t⁴, 5 t⁴ होता है आपका 625/2 × t⁴, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 1 आ रहा है, सो डायरेक्टली हम लोग सोचते हैं 1 क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तब आंसर 1 आता है, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में आंसर 1 है, अंदर कुछ भी आए आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 करनी है, एक्स की वैल्यू 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, बिकॉज एक्स की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 आता है, सो इस पूरे को आप एक्स मान लीजिए, एक्स की पावर 0 1 आता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ये जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स।